बोलता 2 बजे पानी आएगा, 4 बजे पानी आएगा, लेकिन पानी 6 बजे तक नहीं आया। हमारी नमाज ही गई, हमने जिसका वेट कर रहे थे कि नमाज जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, वैसा कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं बैदर, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। सबसे पहले तो भिवंडी टाइम्स टीम की तरफ से तमाम भिवंडी वासियों और तमाम आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बोलना बताना ये चाहेंगे कि आज इस वक्त हम मौजूद हैं शांतिनगर एरिया में, नदियाबार में, जहाँ पर आज पूरे भिवंडी में ईद की खुशी मनाई जा रही है। वहीं पर भिवंडी का ही एक एरिया नदियाबार, यहाँ पर खुशी मनाने की तो बात तो दूर, लोग पानी से महरूम रह गए आज। कोई बहुत सारे घर यहाँ पर, बहुत सारी बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, ये बिल्डिंग उसके आगे भी, और इसका जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे लोग बिना नहाए ही अपनी ईद को मनाए। क्यों? क्योंकि उनके घरों में पिछले एक हफ्ते से पानी ही नहीं आ रहा। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों उनके यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। परेशान है पानी के लिए कि हम लोग की एकदम हालत ख़राब हो गई है। कैसे आज हम लोग ईद की नमाज़ पढ़े, हम लोग जा कहाँ रहते हैं आप, कहाँ पर? ये बिल्डिंग पे, इस बिल्डिंग में रहते हैं, पानी नहीं? नहीं नहीं। तो कॉरपोरेटर को या जो म्यूनसिपलिटी के जो लोग होते हैं वहाँ पर बोले, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई है ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई सुनना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं हम क्या करें, औरतें लोग गई, हम लोग गए, कोई तो वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, बोला गया ये। लेकिन बस उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके बोलते हैं मेरे यहाँ भी पानी नहीं आ रहा, क्या करूँ। पानी नहीं आ रहा है तो सहूलत करना उनका काम था, उनका काम है, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना, क्या करेंगे हम लोग। बिल्कुल भी, मतलब ये चार चार कॉर्पोरेटर होने के बावजूद 1 घंटे में आएगा, 11 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, यानी सिर्फ आश्वासन दिया जाए, आश्वासन दे के हम लोग को वापस कर देते हैं, बस पानी नहीं। फिर आप पानी की कमी को पूरा कैसे कर रहे थे? अब हमारे घर पे चल के देखिए, आज 1 घंटा पानी आया, इतना गंदा पानी आया ना कि उससे अच्छा तो हम लोग बल्कि बोरिंग के पानी पी लेंगे, चलेगा। एक हफ्ते से आप पानी ला कैसे रहे? फिर नीचे से ले जा रहे हैं, ये देखो ना बोरिंग देता है बेचारा, हाँ यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं, क्या करेंगे भाई, मजबूरी है। जिंदगी में इतना उम्र हो गया, पहली मरतबा मैं कल पानी खरीदा हूँ पीने के लिए, त्यौहार के नाते कि मर मेहमान आएंगे पानी कहाँ से पियेंगे, कल मैं खरीदा हूँ 60 रुपये के 2 पानी खरीदा हूँ, हाँ पीने के लिए कि मर मेहमान आएंगे, और कोई सुनवाई यहाँ पे है नहीं। वो तो कारखाने वाले बेचारे पानी दे देते हैं कि बिल्डिंग मालिक थोड़ा नहाने धोने को गया। तो इस एरिया में कोई बोरिंग वगैरह भी नहीं है क्या? ऐसी नहीं, बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोरिंग, कोई सरकारी नल जैसा हर एरिया में एक सरकारी नल छोड़ दिया जाता है कि अगर पानी ना आए तो वहाँ से भर लिया जाए? नहीं नहीं, इधर नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं। कारखाने का बोरिंग है, वही बेचारे दे देते हैं, उनकी मेहरबानी है। ये डब्बा मैंने देखा आप वहाँ से लेकर आ रहे थे, तो मतलब क्या कर रहे हो? बोरिंग का पानी भर भर के लेकर आ रहा हूँ, पानी नहीं आ रहा है 2 दिन से। नहीं, 2 दिन से आप ऐसे ही पानी भर? हाँ, तो आज तो ईद का दिन है तो आज भी पानी नहीं आया? नहीं, आज भी नहीं आया पानी। कहाँ जा रहे हो भाई? पानी लाने जा रहा हूँ, पानी 4 दिन से जुमेरात से पानी नहीं आ रहा है। फिर आप इसी तरीके से पानी ला रहे? क्या करेंगे, वो अगले गोविंद नगर से पानी ढोड़ो के ला रहे हैं। गोविंद नगर से? तो यहाँ आस पास में कोई बोरिंग भी नहीं है क्या? कोई बोरिंग नहीं है ना, कारखाने से पानी ले लेते, लेकिन कारखाना बंद है ईद की वजह से, तो कैसे लेंगे बताइए। ईद के दिन खुशी का दिन है, त्यौहार मनाने का दिन है, और आज इस दिन भी लोग अपनी अपनी तकलीफों में जूझ रहे हैं। जी बताइए, क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अरे पानी 1 हफ्ते से आ नहीं रहा है, यानी दिन भर मोटर चालू कर करके थक जाओ, काउंसलर के पास जाओ तो वो बोलते हैं ना कि वहाँ जाओ, उनसे बात करो, मतलूब के पास जाओ, ये हम कर बोल बोल के थक चुके हैं ऐसे ही। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 1 हफ्ते से। तो मतलब आपने जो यहाँ के नगर सेवक, तो 4 नगर सेवक है ना इस वार्ड में, हाँ, तो एक ही के पास गए थे बस। हाँ, क्या बोला फिर उन्होंने? वो बोले हम बहुत कोशिश करके थक चुके हैं अब, हाँ कोई सुनवाई हो नहीं रही। सभी को परेशानी है, यानी बच्चे हैं इतने छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगे, कैसे लाएंगे, जिसके पास कोई लाने वाला नहीं हो कौन ला के देगा। आज ईद का दिन है तो मतलब आज के दिन भी बिल्कुल भी कोई मतलब पानी का इंतजाम नहीं, नहाना धोना कोई कतरा पानी नहीं, कोई जुमरात के दिन से एक कतरा पानी नहीं आया है। आप लोग कर कैसे रहे फिर? ला रहे पानी बाहर से मंगा रहे, बिस्लेरी ला के पी रहे हैं, कितना लाएंगे देखो ऐसे गैलन गैलन से। ये दिखाइए वहाँ पर, ये देखिए वो इस तरीके से, वो गैलन से जो जो घर में अगर लोग मौजूद हैं तो ले आएंगे, लेकिन घर में लोग मौजूद नहीं तो फिर कैसे करेंगे? जिसके नहीं है तो कहाँ जाएंगे नमाज पढ़ने, वजू बनाने, पानी है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। सुबह का चाय का बर्तन इसलिए, अभी ईद का दिन है, बिगड़ नमाज करेंगे, जब नहाएंगे नहीं तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। हम लोग के घर में बच्चे हैं, दुकान पे हैं, हम लोग तो अकेले, हम लोग कहाँ जाएंगे लाने, किससे मंगाएंगे? हम लोग बिस्लेरी पानी मंगा के पी रहे हैं, बाकी सब ऐसा पसारा पहला है, नमाज भी छूट गया, नहाना धोना भी बंद हो गया, पानी की वजह से कहाँ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, पानी नहीं आ रहा आज का दिन से, पानी के लिए बहुत बच्चे परेशान हैं। अब रमजान के महीने में रोजा रख के, अब रोज चांद रात के दिन
नीचे से चार चार पांच पांच माला गैलन से पानी भर भर के बच्चे परेशान हो गए हैं। अब काउंसलर के पास कल गए लेके, और तो बिल्डिंग वाले कुछ सुनवाई नहीं, बोलते हैं हाँ वहाँ आ रहा, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा, पानी रह रहा था, हम लोग नीचे बच्चों को भेजते परेशान करते हैं, है रोजा रख के बच्चे इतना गैलन भर भर के ऊपर चढ़ाए, कितनी परेशानी बच्चे, और घर के बच्चे नहाई नहीं आज ईद के दिन, बताओ नमाज नहीं हो, नमाज नहीं पढ़ पाए ना औरत ना आदमी, पानी है ही नहीं है, पीने पानी नहीं है तो नहाएंगे कहाँ से, नमाज पूरी खराब हो गई। हम लोग के घर खाना नहीं बना था, बाहर से बच्चे लोग लाके नूडल चाइनीज खा के बिस्लेरी पानी मंगा के पी के कैसे कैसे बच्चे लोग टाइम बिताए, आज तो बर्तन थाली सब वैसे ही किचन में पड़ा है, बर्तन थाली भी नहीं धोए कोई, अभी तक पानी का कोई इंतजाम नहीं है, बच्चे लोग एक गिलन दो गिलन बोरिंग से पानी ला के दे रहे, उसी से कैसे भी बाथरूम जा रहे हैं। देखा आपने आज ऐसा ईद का मौका है, आज ईद का दिन है, और यहाँ पर ईद के दिन लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन भिवंडी के अंदर एक एरिया ऐसा भी है नदिया पार कि जहाँ पर लोग पानी से परेशान हैं, इनके घरों में पिछले एक हफ्ते से रमज़ान यानी जब रमज़ान चल रहा था आखिरी अशरा, तब से लेकर अब तक इनके घरों में बिल्कुल भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, और इनका कहना यह है कि ये नगर सेवक के पास भी गए मगर वहाँ से भी उनको कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला, और उन्होंने कोई इनको इंतज़ाम भी करके नहीं दिया कि एटलीस्ट एक टैंकर इनको दिया जाए डेली जब तक पानी नहीं आता, ताकि इनके जो रोज़ के अखराजात है पानी के वो पूरे हो सके। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से लेकर आगे का पूरा जो एरिया है वो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पिछले एक हफ्ते से कोई कह रहा है, चार दिनों से कोई कह रहा है, एक हफ्ते से, तो इनके पास पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, बिल्कुल भी पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, और लोग अपने पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपने अपने घरों में जो उनके पास गैलन है जो डब्बे हैं वो ले जाकर दूसरे एरिए से पानी ढो ढोकर तीन माला चार माले तक चढ़ाकर अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। ये पूरा पट्टा देखिए आप, ये पूरा पट्टा बिल्कुल भी पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा था तीन चार दिन से। हाँ कैसे बिना पानी के आप कैसे काम कर रहे थे? आप कैसे करें, इसे हर हर से भर के काम करी, इधर उधर से पानी भरते हैं, तो आपके घर में है पानी लाने? हाँ है, तो वो लेकर आ जाते हैं। हाँ लेकर आ जाते हैं, यही बिल्डिंग में, सामने बिल्डिंग में रहते हैं। इतना प्रॉब्लम है कि पूछो, आज चार पाँच दिन से नल नहीं आया है, अभी अगर मैं बोरिंग का पानी, कितने लोग को, ये छः माले की बिल्डिंग है, मैं कई लोग को बोरिंग चालू करके पानी दिया हूँ। ये बोरिंग आपकी है, आपने लगवाई है? नहीं, मेरे सेठ का, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं 24 घंटे यहीं रहता हूँ, तो मैं मेरी नज़र के सामने मैं देख रहा हूँ नल कब से नहीं आ रहा है, ये लोग को भी पानी दिया हूँ, पूछ लो, ये लोग बैठे हैं, इन लोग को बोरिंग चालू करके पानी दिया हूँ, बाल्टी से दो दो माले और चार चार माले पे बोरिंग पे पानी चढ़ाए बाल्टी से, तब नहाए हैं, उसके बाद नमाज पढ़े हैं ये लोग, इतनी तकलीफ पानी की है। हमारी बिल्डिंग में तो पानी नहीं आ रहा है तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, हम दूसरे के घर में जा रहे एक एक बाटली पानी मांगने, एक एक डब्बा पानी मांगने, हमने 6 घंटा वहाँ गए, चाबी जो नल खोलता है वहाँ पे इंतजार किया, बोलता 2 बजे पानी आएगा, 4 बजे पानी आएगा, लेकिन पानी 6 बजे तक नहीं आया, हमारी नमाजें गई, हमने जिसका वेट कर रहे थे कि नमाज जाएंगे नए कपड़े पहनेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ना पानी आया ना कुछ हुआ, सिर्फ हम लोग को सिर्फ भरोसा दिलाए कि अभी पानी देंगे, लेकिन पानी उन्हें कुछ भी नहीं आया। क्या है ना, ये जो पानी का पाइप पड़ा है बहुत पुराना हो गया है और पतला पाइप पड़ा है, अगर ये वहाँ नासिर मिर्जा के वहाँ से अगर पानी का पाइप, मतलब वो जो मेन लाइन होती है उसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत पुराना हो गया, अभी एक बार मेरा सेठ यहाँ पे बुश लगा है, वो निकलवाया था बुश बारिश के टाइम में, तो उसमें से चप्पल जूते, मैं आँख की देखी बात बता रहा हूँ, पाइप के अंदर से चप्पल जूते निकले थे यहाँ पे बारिश में, मेरा सेठ खुलवाया था, सिराज सेठ खुलवाया था, अभी सिराज सेठ तो यहाँ से छोड़ के उधर पहुँच गया है, वो खुद खुलवाया था मेरे सामने की बात, मैं आँख की देखी बात बता रहा हूँ, पानी के पाइप के अंदर चप्पल जूते निकल रही है, जूते निकले थे, ताज्जुब की बात है, और ये मैं आँख की देखी बात बता रहा हूँ, मैं 15 साल से गाले में काम कर रहा हूँ, मैं यानी कितने हैरत की बात है कि पाइप के अंदर से जूते चप्पल निकल रहे हैं और वही पानी लोग पी रहे हैं और अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, कितनी गलत बात है। अगर ये दूसरा पाइप अगर डाल दिया जाए, वो पाइप बहुत पुराना हो गया और पतला पाइप पड़ा है, अगर दूसरा पाइप डाल दिया जाए ना तो पानी की तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ कॉर्पोरेटर को बताया आपने कि मतलब जो यहाँ के कॉर्पोरेटर जो जिम्मेदार है? परसों वो देख रहे तो भी उनके आँखों पर पट्टी है मेरे हिसाब से, फिर भी नहीं कर रहे तो भी नहीं। अरे अभी आपको मैं बताऊं, परसों भी 4 बजे तक मेरी रात ड्यूटी थी, 4 बजे नासिर मिर्जा खुद यहाँ पे मौजूद था, बोले पानी खोला अभी 15 मिनट में आएगा, यही बोले थे ना ये लोग, इन लोग के सामने की बात है, बोले 15 मिनट में आ जाएंगे, वो आदमी सीढ़ी मेरे कारखाने लेके आए, बोला भाई तो 15 मिनट में नासिर मिर्जा तो खड़े हैं, बोले अभी पानी आ जाएगा, मोटर में पानी डाल के पकड़ाने का है, पानी नहीं आया अभी तक नहीं आया, ये सिर्फ खाली आश्वासन दिया जा रहा है बस क्या बोलने का।
आश्वासन दिया जा रहा है कि मतलब 10 मिनट में पानी आ जाएगा, 10 मिनट पानी आ जाएगा, भाई पानी आने नाम नहीं है। अब इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं, जो बात है सामने है, पानी आई नहीं, पानी की इतनी तकलीफ हुई, लोग को तकलीफ, अभी बोरिंग चालू करके पानी दिया हूं, देखो अभी। हाँ बराबर, क्योंकि वो एरिया दिख ही रहा है कि यहां पर पूरा पानी गिरा हुआ है। तो इस एरिया में नदिया पार का जो इलाका है, यहां के जो कॉरपोरेटर या जो भी जिम्मेदार हैं इसके, उनको ये चाहिए कि आकर यहां पर विजिट करें, और सिर्फ विजिट करने से नहीं होगा बल्कि इनकी तकलीफों को समझे और यहां पर जल्द से जल्द पानी पहुंचाने का इंतजाम करें। अभी ये पाइप पड़ा, देखो भाई एक पाइप ये डाला गया, अभी नया ये पाइप पड़ा है, अभी इसमें भी पानी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डाला गया, अभी इसमें भी नहीं आ रहा है, ये लाइन भी बंद है, अभी अभी आ ही नहीं रहा है। तो फिर डाल के इस लाइन को डाल के मतलब क्या है? थोड़े दिन तक आया पानी ना, जब आया अभी ने कल भी देखा इसमें नहीं, परसों में लोगों को बोला इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें कनेक्शन करा, जब बोले उसमें भी नहीं आ रहा, तो क्या है? यानी ये पाइपलाइन डाल के भी कोई मतलब नहीं है। वैसे पाइप की लाइन तो दिख रही है यहाँ पर कि यहाँ पर भी है, उस साइड भी है, लेकिन कहना ऐसा है कि जब सिर्फ लाइन ही है, पानी उसमें आता ही नहीं है, लाइन ज़्यादातर बंद ही रहती है। ये भी एक बिल्डिंग है जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो जानेंगे उनके जो इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं क्या तकलीफ है, खाला बताइए। एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, एक हफ्ते से, एक हफ्ते पूरे हो गए पानी आया नहीं है, इतना परेशान हैरान तिवार है, क्या करेंगे? कैसे आप नहीं आ रहा है पानी, तो फिर आप कैसे काम कर रहे हैं? बोरिंग का बंद किया हुआ था, इधर से उधर पानी भर रहे, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, और हम लोग बोरिंग में से इधर उधर से पानी भर रहे, कितनी तकलीफ उठा रहे हम लोग, बोरिंग चला के चला रहा काम, जो आप तिवार है। तो बोला जो इसके जिम्मेदार हैं, जो बोला आपने उनको कि मतलब पानी बोले थे सब उठते, तो क्या बोला नागर सेवा की जवाब 12 बजे पानी आ जाएगा, और जुम्मा से पानी नहीं आया है, हम लोग बोरिंग से भर रहे, सब कैसे झेल रहे हम जान रहे, ना भी रहा इसमें, इधर से मांग ला वो भगाता, उधर से ला मांग ला वो भगाते, हमको कितने जाने से मांग, बोरिंग से पाइप लगा के भर रहे, सब लड़के बच्चे सब भर रहे, जितने परिवार के त्यौहार सरी का त्यौहार पूरा पानी नहीं, पूरा इस तरीके चले आ रही, 2-3 साल से नाटक हो रहा है पानी का, लेकिन 8 दिन पहले से नाटक चालू हो जाता है, ईद का चालू हर साल होता है, हर साल 3 साल से हो रहा है, हर साल होता है ईद में। आप गुस्सा देख सकते हैं यहाँ के रहने वालों के, यहाँ के जो रहवासी है उनके अंदर कितना गुस्सा है कि 2-3 साल से अक्सर यही हो रहा है कि जब भी ईद का त्यौहार या कोई त्यौहार आता है उसी वक्त पानी नहीं आता। हम लोग कितनी मुसीबत झेल रहे, आज 3 साल से मुसीबत झेल रहे हम लोग, और रहेगा ना चालू नाटक, हमारे पानी नहीं आएगा, पूरा पानी पूरी बिल्डिंग का पानी। तो मतलब ये कॉर्पोरेटर का काम है कि वो जाके आवाज उठाए, या फिर वो जो पानी नहीं आ रहा आपके एरिया में उसको लाने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी तो इलेक्शन आने वाला है, तो क्या करेंगे फिर आप? अब इलेक्शन आने वाला, तो हमको पानी की तकलीफ है, तो हम इलेक्शन कैसे देंगे? जब हमको तकलीफ हमारी दूर करो पहले पानी की, हर साल की 3 साल की तकलीफ हो गई ना हमको, 3 साल से तकलीफ हो रही है बात की, कोई हमारे को सुनवाई आ भी नहीं रहा हमसे पूछने के लिए, तुम तकलीफ उठा रहे कि नहीं उठा रहे, और हम कहाँ जाए, और जब किसी दे रहे तो कौन और देगा? सही बात है, जब अभी पानी नहीं आया, अभी आगे इलेक्शन है, तो कौन वोट देगा उसको? जब हमारे को पानी नहीं, हमारे को तकलीफ होगा, हम क्या करेंगे? पानी जिसके घर में नहीं होगा, पूरी बिल्डिंग 4-5 माले की सब बिल्डिंग तकलीफ उठा रहे पानी के लिए, इधर अभी नहीं 8 दिन हो गए रोजदार काका भटक रहे पानी के लिए, सब पूरे गवाह है यहाँ पर, पानी की बहुत तकलीफ है हमारे को, और हर साल 8 दिन पहले रमजान के हमको तकलीफ बहुत देते पानी की, बहुत तकलीफ, हर साल की बात, हर साल की बात है, हम 3 साल से झेल रहे बात, लेकिन हम लोग आप लोग कहाँ जाएंगे, हम किसको ढूंढेंगे, हम इसलिए तकलीफ उठा रहे, एक एक घर पानी मांग रहे। अब यहाँ का जो कॉर्पोरेटर है ये उनको सोचना चाहिए, 4-4 नगर सेवक होने के बावजूद, एक ही वार्ड में 4-4 नगर सेवक होने के बावजूद, भिवंडी का एक ऐसा एरिया नदिया पार स्लम एरिया, और यहाँ के रहवासी कुछ हिस्सा जो भिवंडी का नदिया पार का, जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं, वो जल्दी से जैसा भी हो आप लोग यहाँ पे पानी का इंतजाम कर दे, यहाँ पानी की बहुत सुविधा हो रही है, ईद का टाइम है, रमजान महीना भी ऐसे जा रहा है, आप लोग कैसे भी पहले पानी का इंतजाम कर दें। कोशिश हमारी यही रहेगी कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँचता है तो वो जल्द से जल्द इस एरिया में आकर पानी को चालू करने की कोशिश करें। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स, बहुत बहुत शुक्रिया।